मैं जब बचपन में पैदा हुआ था तब से ही प्रीमेच्योर बर्थ है और एंड मदर फीड भी नहीं हुआ, उस वजह से डॉक्टर्स ने कहा कि वीकनेस जो है वो रह गई है और ये जो है टाइम के साथ ही होगी। लेकिन अभी तक जो एज मेरी होगी, आई एम 21 नाउ, लेकिन अभी तक भी आई एम नॉट फीलिंग, यू नो, आई एम नॉट वेल दैट लेवल जो हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि मर्द होता है स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग हर काम में स्ट्रॉन्ग होना, वो मैं नहीं हूँ। बचपन में भी जब होता था छोटी छोटी बात पे मुझे, मतलब हल्का सा भी मैं गिर जाता था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उसकी पेन वगैरह दी होने लगती थी। लेकिन कहा जाता था कि मर्द मर्द को दर्द नहीं होता, आपने रोना नहीं है। स्कूल लाइफ स्टार्ट हुई, स्कूल लाइफ में भी क्लास में मैं इस वजह से थोड़ा शाय फील करता था कि मैं किसी से बात करते हुए चाहता था कि मैं इससे बात करूँगा तो मेरा आगे से मजाक उड़ेगा। मजाक से बचने के लिए मैं ज़्यादा अकेला रहना पसंद करता था कि अलोन रहूँ, क्योंकि बचपन से जब सोसाइटी में किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं थी, स्कूल्स में जो है बुली वगैरह किया जाता था स्टूडेंट्स की तरफ से। उसके बाद जब कॉलेज लाइफ में आया तब भी सेम इशू रहा, देन ये चलता रहा। उसके बाद यूनिवर्सिटी लाइफ में आया, देन सेम आई फेस इन यूनिवर्सिटी में भी सेम चीज़ें फेस करने को मिली। मर्द को टफ और थोड़ा मस्कुलर होना चाहिए। मैं भी स्टार्टिंग में आई वाज अराउंड 48-49, मैंने अपने आप को ग्रूम किया, मोटिवेशन लिया लोगों से, फिर मैंने अपने आप को बिल्डअप किया। लेकिन खाली बोलने से आप सब कुछ अचीव नहीं कर सकते, यू हैव टू वर्क फॉर इट। स्टार्टिंग में जब छोटे थे तब इतनी समझ नहीं थी, तो तब तो मजाक में कह देता था मैं भी, लेकिन अब जब से बड़े हो गए समझ आ गई, तो ये चीज़ काफ़ी मुझे पछतावा भी होता है कि मुझे नहीं कहना चाहिए था ऐसे, क्योंकि ये चीज़ उसमें नेचुरली है तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, वो इस तरह का है तो ऐसे ही ठीक है और उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है या उसको अपने आप को किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मेन को थोड़ा सा रफ एंड टफ होना चाहिए, थोड़ी इसकी लुकिंग जो हो थोड़ा लुकिंग वाइज भरा भरा हो और थोड़ी दाढ़ी होनी चाहिए, और आई थिंक मर्द रफ एंड टफ ही अच्छे लगते हैं। सोसाइटी में एक टैबू है कि जो मर्द है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं लगता। आप जैसे हो, आपको अपने अंदर अपने सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, मैं जैसा हूँ मैं परफेक्ट हूँ। आप लोग ये ना सोचो कि अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं अब नॉर्मल हूँ, आप ये सोचो मैं स्पेशल हूँ, मैं मेरे जैसा कोई और नहीं है, बाकी तो सारे मर्द स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं बीच में एक नहीं हूँ तो मैं यूनिक हूँ, उनके जैसा नहीं हूँ, सेम जरूरी तो नहीं है कि सारे सेम हो। ये बचपन में लेकर कॉलेज लाइफ तक, उसके बाद यूनिवर्सिटी में फील होता था, वो ये नॉर्मल सी बात है कि कोई बुली होता है तो वो फील तो करता है। मीडिया स्टडीज़ मैंने पढ़ना था, उसमें एक उसमें भी जो है हमारा जो फील्ड है उसका भी कहा जाता है कि कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मेरी लो है, तो मैंने अपना उसको वीक पॉइंट नहीं बल्कि मैंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया कि मैं वही पढ़ूंगा और उसको अपना जो है स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के दुनिया के सामने जाहिर करूँगा।